कॉलेज की मंजूरी मालेगांव में शहर के अंदर मिली है। इस ताल्लुक से मैं समझता हूँ काफी लोगों ने यहाँ पर गुस्तगु किया। दो रोज पहले जब 4 साल एमएलएशिप की कार्यकर्दगी के मैंने रिपोर्ट और हिसाब मालेगांव शहर की आवाम के सामने दिलावर हॉल में दिया, वहीं पर कई लोगों का इसरार था, कई लोगों का बोलना था कि हमारा भी इस्तकबाल आप लोग। और आज इस्तकबाल यह प्रोग्राम हो रहा है। असल में मैं बैठे बैठे सुन रहा था हमारे सभी मुकर्रर हजरात को, वो हमारे 4 साल और बता रहे थे। मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा बताने की जरूरत उस पर नहीं है, लेकिन क्या जरूरत है कि हम लोगों को हर वक्त आवाम के बीच में आकर बाकायदा हमारे कामों का हिसाब देना पड़ता है। असल में ये शहर की सियासत ऐसी हो गई, ये शहर की सियासत का ऐसा मिजाज हो गया और झूठ के ऊपर इस शहर की सियासत चलने लगी। और यही वजह है कि हम लोगों को स्टेज लगाकर आवाम के बीच में आकर हिसाब देना पड़ता है। 2007 से पहले शहर के अंदर जनता दल और कांग्रेस और बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हमेशा रही, लेकिन शहर के अंदर दो ही पार्टियां, चाहे आप आजादी के बाद से आज तक इतिहास देखो तो कांग्रेस के एमएलए रहे या जनता दल के एमएलए रहे, या लोकसभा के अंदर आप देखो जनता दल के खासदार रहे या कांग्रेस के खासदार रहे, लेकिन 2007 में एक तीसरी क्यादत शहर के अंदर आना चाहिए। इस तरीके का एक प्री प्लानिंग, एक प्लान तैयार किया गया और बाकायदा शहर की सियासत के अंदर कदम रखा गया। और उसके बाद शहर के अंदर 1, 2, 3 पार्टियां का और कई पार्टी हमारे शहर के अंदर सबका राजकारण चल रहा। निहाल अहमद साहब 2007 से पहले बार बार ये बात बोला करते थे, शक जाहिर किया करते थे कि जो शख्स इस्लाम आशरा के नाम पर इस्लाम आशरा कर रहा है वो शख्स सियासत में आएगा। वो उस वक्त ये बात की शहर की आवाम के सामने वक्तन वक्तन रखते रहे। और मुझे याद आता है, और ये शहर के हमारे बुजुर्गों को भी ये बात याद होगी कि निहाल अहमद साहब अपने 2 अखबार, एक डिसिप्लिन और एक आवामी आवाज के अंदर भी नागमणि की खबरें भी हमने पढ़ी, याद होगा आप लोगों कि नागमणि की बहुत खबरें छपती थी कि फला जंगल के अंदर नागमणि ढूंढने के लिए शहर से एक काफला रवाना हुआ। बेंगलोर के कभी जंगल की बात आई, कभी बुलढाणा के जंगल की बात आई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि निहाल अहमद साहब के 2 अखबार की जो खबरें शहर ने पढ़ी, मैं असल के उसके ऊपर तबसरा कर रहा हूं। लेकिन हुआ यह 2007 से पहले
कि ना नागमणि हाथ आई और ना माल सियारों के अंदर बिका, यानी करोड़ों में ना बिका और ना करोड़पति बने। किसी ने मशवरा दे दिया कि नागमणि ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉर्पोरेशन का इलेक्शन 2007 में लड़ लो, नागमणि शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही हुआ। मैं आप बताता हूं आप लोगों को, अतीक महिंद्रा साहब, मैं चाचा उनको बोलता था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और उनका और मेरा इतना प्यार मोहब्बत थी, इतना मुझे वो मानते थे और मैं उनको इतना मानता था कि वो हर जुमा की नमाज के बाद मुझे बोलते थे मेरे साथी तेरे खाना है, और हम बैठते थे घंटों बैठा किया करते थे, तो मुझे बताया करते थे कि शहर के साबिक एमएलए एक अशोक हीरे नाम का व्यक्ति एक कोई फैयाज नाम का व्यक्ति और ऐसे दो तीन नाम वो लिया करते थे। एक वाक्य बड़ी दिलचस्प वाक्य उन्होंने बताया मुझको, इतना दिलचस्प वाक्य था, आज भी मेरे जहन के अंदर एक एक लफ्ज फिट है। नागमणि के साथ मोर का पर कभी धंधा शुरू था उस वक्त, मोर का पर, यानी मोर का पर अगर एक बाजू और दूसरे बाजू सेम रहा तो वो करोड़ों में बिकता है, एंटीक पीस बोला किया करते। तो ये एजेंट पहले से तैयार रहते थे कि हमको चाहिए, तो बोले एक फोन आया झांसी से, कहां से फोन आया, झांसी से, ओरिजिनल माल है और 10 लाख में माल मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको सुबह तक आना है। बोले हम लोग गाड़ी निकाले अर्जेंट में, 1 घंटे के अंदर किसके पास जितना पैसा था जमा किए तो 7 ही लाख जमा हो जाए, बोले चलो इसमें काम बन जाएगा। बोले रात दिन ड्राइविंग करते करते झांसी पहुंचे, पार्टी को फोन करे कि हम लोग झांसी पहुंच गए, और झांसी पहुंचने के बाद एक शख्स आया और वो शख्स ने कहा कि चलो मैं लेके चलता हूं। वो बोले शख्स के बाद पहले से 2-3 घोड़े लगे थे, वो झांसी में कोई होगा, बोले हमको लेकर गया, गाड़ी लगा दो, पैदल पैदल इतनी गलियां बोले क्रॉस किया, एक घर के अंदर लेके गया, और एक घर के अंदर ले जाने के बाद हम लोग बैठे, और बैठने के बाद मोर का पर हमारे सामने आया, मोर का पर, बोले हमने देखा, बोले आपको परख है, मोर का ओरिजिनल मोर का पर अगर रहेगा तो उसकी खासियत क्या है, तो बोले वो आईने के सामने रख दो तो आईना फूट जाता है, ये उसका खासियत है, बोले ओरिजिनल उसको बोलते हैं। बोले हाँ, बोले आपको सब पता है, बोले पैसा लाए, बोले हाँ, बोले कितना, बोले 10, नहीं बोले 7 ही लाए, चलो बोले उसमें भी काम चल जाए, पैसा ले लिए, मोज लिया, बोले शख्स ने रख लिया, मोर का पर दिया, बोले कौन चेक करेगा, तो साबिक एमएलए साहब बोले मैं, बोले ठीक है, आईना पहले से दीवार के ऊपर लगा हुआ था, जैसे ही मोर का पर लगा बोले आईना फूटा, बोले हम बोले भाई ओरिजिनल है, बोले इसकी नियत खराब हो जाएगी, साथ वापस दे देगा और मोर का पर ले लेगा, बोले फौरन मोर का पर लिए भागे हम लोग वहां से, और रात दिन गाड़ी चला के मालेगांव आए, सुबह 4 बजे पहुंचे, एक अशोक गिरी नाम का जो शख्स था उसने मोर का पर उसके घर ले गया, बोले 2 घंटे हम लोग सोए हुए और उसके बाद सोचे चलो अब जल्दी से बॉम्बे पार्टी बात हो गई, 1 CR 7 लाख, बोले 1 CR कितना बचने वाला था, 93 लाख, तो बोले हम लोग सुबह फटाफट गए अशोक गिरे के घर के ऊपर, तो उसकी मां
सत्यनारायण की पूजा कर रही थी मोर्चे पर। यार बच्चे ने तो बड़ा डाव खेल किया यार। तो जब हम जाके बैठे थे बोले सत्यनारायण की पूजा चल रही, चलो बोले वो ले होके बॉम्बे गए, पार्टी से तो बात हो गई। और जाने के बाद जो पार्टी को ये माल देना था वो शख्स ने बैठे के बोले माल लेके आए। बोले अच्छा, वो भी शाना था जिसको माल लेना था, बंबई वाला, बंबई के शाने बोले तो मशहूर है दुनिया में। उसने मोर का पर हाथ में लिया, देखा, बोले दिख तो रहा है ओरिजिनल लेकिन मुझे शक है। अब कई शाने दुनिया के वहां पहुंचते होंगे और ये उनके पास चले गए। उसने निकाला विजिटिंग कार्ड, प्लास्टिक का आता है ना, बीच में से मारा दो अलग। अरे बोले दोनों मोर के पर डुप्लीकेट निकल गए। निकाल के रख रखा, बोले जाओ साथ तुम्हारे गए ये ना ये। बोले अब सवाल ये होता कि यार जब वहां तो आईना फूट गया। वो शख्स ने बोला, बोले ऐसे बहुत लोग को वो लोग थकते हैं और बोले जब आईना फूटा तो बोले पतरे का घर देना, बोले हाँ तो ऊपर होल होगा, बोले जैसे तुमने लगा सामने वाले ने पीछे दीवार पे इशारा करा उसमें आईने के पीछे होल तो उसने मारा होगा सलिया, ये फूट गया। तो बोलने का मतलब अगर कोई शख्स ये मिजाज का पैसा कमाने के लिए इतनी बड़ी छलांग मारने की कोशिश करता है तो वो सबसे शहर की सियासत के अंदर झूठ बोलने भी बिल्कुल नहीं घबराएगा, बिल्कुल नहीं डरेगा और ये आखिरी तक झूठ बोलकर ये शहर में सियासत की जाएगी। ये असल के अंदर एंट्री की मैं बस सिर्फ बात किया हूं। अभी मेरा मैदान साफत में आर्टिकल आ रहा है, अभी पढ़ते रहना आप लोग, बहुत एक एक आइटम है। चच्चा जाने के पर चच्चा दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत आइटम मुझे देख के मैं लिखूंगा सब। बहरहाल ये शहर की सियासत है और ऐसे लोगों ने शहर की सियासत के अंदर कदम रखा। आज यहां पर कई हमारे वर्कर बैठे हैं, कई दूसरी सियासी पार्टी के वर्कर बैठे हैं। यकीन के साथ मैं एक बात बोलता हूं कि किसी भी एक वर्कर ने किसी का एक राशन कार्ड तो बनाया होगा, लेकिन आज मेरा सवाल है कि वो शख्स ने राशन कार्ड बनाकर एमएलए बना क्या? नहीं, नहीं, नहीं बना। असल में शहर की आवाम को मजहब के आड़ के अंदर धोखा दिया गया और ये धोखे इतना धोखा देने की अभी भी कोशिश की जा रही कि आप लोग और ये शहर की आवाम को हमको हिसाब देना पड़ रहा है। हम लोगों को हमारा हिसाब पेश करना पड़ता है, काम करके गरीबों के मसाइल हल करके, तामीरी काम करके, आईटीआई की मंजूरी लाकर, फ्लाईओवर ब्रिज बताकर, उर्दू घर बताकर, हिल स्टेशन बताकर, क्रिकेट स्टेडियम बताकर, आपके बच्चों को कंप्यूटर देकर, आपके बच्चों को किताबें देकर, ये सब हमको करने के बाद आपको बताना भी पड़ रहा है। तो उसकी वजह यह है कि शहर के अंदर म्यारी सियासत नहीं हो रही, शहर के अंदर छूट की सियासत की जा रही है, शहर के अंदर आपको फिर धोखा देने की कोशिश की जा रही है। ये आज ये शहर की आवाम को और आप लोगों को समझना है। और अगर आप लोग नहीं समझे और धोखा खाते रहे तो यकीन जानो एक दिन ये शहर के अंदर कोई अच्छा लीडर पैदा नहीं होगा, कोई तामीरी काम करने वाला लीडर पैदा नहीं होगा। दोस्तों और साथियों, मालेगांव शहर में गुंडागर्दी की बहुत बात है। तामीरी काम जो मुझे बताना था मैं बता दिया, हमारे मुकर्रिन ने बता दिया। बहुत बस ऐसा लगता कि कांग्रेसी वर्कर है तो वो तलवार लेकर ही घूमता, कांग्रेसी वर्कर है तो वो बंदूक लेकर ही घूमता है। इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। मैंने दिलावर हाउल के अंदर भी कहा
आज वापस दोहरा रहा हूं आप, और खासतौर से गुरुवार वार्ड के लोग सुनो, शहर की आवाम सुने, ये शहर के अंदर गुंडागिरी करने के लिए बाकायदा प्लानिंग की जाती है, गुंडों को पालने के लिए बाकायदा प्लानिंग की जाती, बाकायदा मीटिंग की जाती, और इसके लिए ये बात बोल रहा हूं, दिलावर हॉल के अंदर भी कहा तो जिम्मेदारी से कहा, और आज भी अगर ये बात बोल रहा हूं तो जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैंने कहा कि देसिया का मर्डर हुआ उसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन दूसरा पहलू कौन देखेगा कि वो देसी दादा के पास मेरी मालूमत के मुताबिक जो लोगों ने स्पॉट के ऊपर देखा कि उसके पास भी बंदूक लगी हुई थी जब उसका मर्डर हुआ, तो आज तक कौन से पेपर के अंदर छपा कि उसके पंचनामे के अंदर बंदूक मिली थी? पुलिस ने इसका जवाब शहर के आवाम को देना है। उसके मोबाइल के अंदर कौन कौन से लीडर के नंबर थे, उसके किसके कॉन्टेक्ट था, इसका जवाब भी पुलिस को देना है। पुलिस बहुत चालाक है महाराष्ट्र की, और होना भी चाहिए, हमको गर्व है पुलिस के ऊपर। अगर वो क्राइम हल कर लेती है, गुनहगार को पकड़ती है, कोई केस को सॉल्व करती है, तो हमको गर्व है कि महाराष्ट्र की पुलिस है, शहर की पुलिस है। लेकिन कॉल डिटेल मंगाओ कि कौन से लीडर की कांटेक्ट में था, कौन कौन से शहर के लीडर, कौन कौन से लोगों के कांटेक्ट में था, इसका रिकॉर्ड कब मंगाओगे, कब इंक्वायरी करोगे, ये शहर पूछना चाहती है। जबरदस्ती जल्ला दादा ने किया या नहीं किया वो कौन फैसला करेगा? जबरदस्ती जल्ला दादा को बोलते थे, बोल दे तीन लोगों का नाम, बोल दे फला का नाम, बला का नाम। उसने कहा कि ना मैंने किया, ना जो तुम तीन लोगों का नाम बोले ना उसने किया। जिन्हें एक तरीके की असल में होता यह है कि खबरें जो होते हैं वो खबरें जाते हैं और पुलिस के कान फोड़ते हैं, साहब वो ऐसा हुआ, साहब वो वैसा हुआ, साहब इसने ऐसा किया, साहब उसने ऐसा किया। पुलिस खबरें के बोलने पर चल रही, एक बड़ा खबरी और इनके सब पुलिस स्टेशन इन्होंने फिक्स कर दिया, तू ये संभाल ले, तू ये संभाल ले। ये शहर के अंदर इसका भी हिसाब, इसकी भी इंक्वायरी और इसकी भी जवाब ये शहर की आवाम को देना पड़ेगा पुलिस। हम ये नहीं बोलते कि पुलिस खिलाफ है, ये नहीं बोलते कि खराब है, ये नहीं बोलेंगे कि पुलिस नालायक है। अच्छा काम करेंगे, तारीफ करेंगे, और अच्छे कुछ ऑफिसर शहर में काम कर रहे उनकी हम जरूर तारीफ करेंगे, लेकिन किसी लीडर के सुनने के बोलने के सुनने के ऊपर इस तरीके की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खलील दादा के ऊपर याद होगा आप लोगों को, बागबान जमात थाने के अंदर मैंने क्या कहा था, याद करो वो दिन जिस वक्त हमने वहां पर मेलावा लिया था, कि बाकायदा मीटिंग हुई, बाकायदा प्लानिंग हुई, बाकायदा यूपी से गुंडे लाए गए, बाकायदा पैसा पुराने की बात हुई, और मैंने कहा था कि हम शेख रशीद परिवार के एक बच्चा जान हथेली पे लेकर चलता है, ये कहा था, ये जुमला था मेरा। क्या हुआ शेख खलील साहब के साथ, क्या हुआ?
पुलिस को चाहिए कि कोई औरंगाबाद में जाकर जमा हुआ तो उससे पूछिए कि वो कौन सा लीडर उसको चला रहा था, कौन सा कार्पोरेटर चला रहा था, कौन सा सनतकार चला रहा था। आगरा रोड का एक सनतकार घराना का कौन सा व्यक्ति वहां का चला रहा था, किसके किसके वो कांटेक्ट में था। एक माविन कार्पोरेटर नया इस्लामपुरे का, उसके कांटेक्ट में था या नहीं, उनके कॉल टेल लेना चाहिए पुलिस को और उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस ने हमसे कहा, मुझसे कहा कि आप नाम बोल दो। मैंने कहा कि निपटना हमको आता है, तुम्हारे भरोसे ये यहां पे जी नहीं रहे। तुम तुम्हारी कार्रवाई करो, हम हमारी कार्रवाई करेंगे। और ये क्यों प्लानिंग की जा रही है, मैं ये शहर के सड़ककारों को बोलना चाहता हूं। गरीब लोगों से कुछ नहीं, जिनके पास शहर में रुपया पैसा है, मैं उनको बोलना चाह रहा हूं कि कम से कम 300 लोग की बात करना, मीटिंग हुई थी कई महीनों पहले कि शेख रशीद के परिवार को 2-3 लोग को कम कर दिया कर दो, और उसके बाद ये शहर के अंदर खंडनी वसूली शुरू की जाएगी, रुपया पैसे वालों से तोड़ी की जाएगी, हफ्ता वसूली किया जाएगा। यकीन जानो, बड़ी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं कि अगर सिर्फ शेख रशीद के परिवार के ऊपर गोली क्यों चलती है, शेख रशीद साहब पर चली, शेख खलील साहब पर 2 टाइम चली, क्योंकि अल्लाह ताला ने शेख रशीद के परिवार को आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों की काम करने के लिए, अल्लाह ताला ने हमें इस शहर के अंदर अल्लाह हमसे खिदमत ले रहा है। तो यकीन जानो, जिस दिन हम लोगों ने फैसला कर लिया, शहर के सनतकार ये बात सुन ले कि अगर शेख रशीद का परिवार सियासत से संन्यास ले लेगा, हट जाएगा, तो ये शहर के अंदर जंगल राज शुरू हो जाएगा। जंगल राज, कोई महफूज नहीं रहेगा, कोई गुरुवार वार्ड का गरीब भी महफूज नहीं रहेगा, कोई सनतकार कोई रुपया पैसे वाला ये शहर के अंदर महफूज नहीं रहेगा। उनको पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ अगर हम जुड़े हुए हैं, अगर मेरा एक गरीब कार्यकर्ता शेख रशीद साहब को मानने वाला एक गरीब जो पावर लूम चलाता होगा, अगर उसको पता है कि वो शेख रशीद साहब का चाहता है और वो शेख रशीद साहब का और ये घराने का ये वर्कर है, तो यकीन जानो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम्हारे बाल को धक्का लगाए। जिस दिन नाम हट जाएगा उस दिन टप्पू मारेंगे। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं ये बात। लेकिन कुछ लोग होते अपने मुफाद के लिए, मुफाद हासिल करने के लिए हमारे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते। क्या होने वाला है मुझे बताओ। इलेक्शन हार या जीत का है, अल्लाह जिसको नवाजे वो चुन कर आएगा, ये हमारा ईमान है। लेकिन उसके बाद आप समझो क्या होगा, ये नहीं पता आपको। आज हम लोगों को सोचने की जरूरत है, और मैं पुलिस से कहना चाहता हूं कि ये जो जितनी बातें मैं बोल रहा हूं, बाकायदा मैंने वक्तन वक्तन पुलिस डिपार्टमेंट के कान पे डालते गया, लेकिन कान पे डालने से कुछ नहीं हुआ, इसलिए आज आवाम के बीच में बोल रहा हूं। क्या हुआ कादनिया कादियानी पे मारने के मामले में, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ मौलाना, इतना ताज्जुब। अगर तुम वो ऑडियो सुन लो
जो आडियो वो कादियानी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जो बोला, उनकी शान में जो गुस्ताखी किया, एक सच्चा मुसलमान अगर सुन लेगा तो यकीन जानो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हमारे शहर के कुछ नौजवानों को बर्दाश्त नहीं हुआ, कादियानी को मारे। मैं उनको सलाम करता हूं तुमने कादियानी को मारे। पुलिस डिपार्टमेंट बोलती है कि आपके कार्यकर्ता थे, आपके रिश्तेदार थे। यकीन जाना, खुदा की कसम, एडिशनल एसपी साहब को मैंने बोला कि आपको पता नहीं कौन थे, और पहले दिन बोल दिया था हमारे लोग को। क्या बोला मैं यही जुमला कि आपको आज पता चल रहा है एक महीने के बाद? अरे पहले दिन आपके ऑफिसरों को फोन करके कहा कि हाँ हमारे लोगों ने मारा है। मैंने कहा कि लिस्ट दो। मैंने ये नहीं बोला कि साहब ऐसा मत करो, मतलब लिस्ट दो, मैं लाके जमा कराऊंगा। लिस्ट नहीं मिली। शहर के डीवाईएसपी साहब के पास गया कि साहब लिस्ट दो, आपके एरिया के अंदर आपके हत्या में हुआ। अरे बोले जाने दो, जब लिस्ट आएंगे देखेंगे। पीआई के पास गया, मैंने कहा लिस्ट आई, जमा कराना उनको। ये शहर में तो देखे उन नौजवानों को कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को कैसा हाल किए, ये शहर भी देखे उन नौजवानों को। मैं तो चाहता हूं पुलिस लिस्ट को दे। कब? चलो लाओ कल ला कर दो। जब पुलिस बोलेगी, जब जो टाइम बोलेगी, जब जहां बोलेगी वहां, जितने वक्त में बोलेंगे उनको जाकर हाजिर करूंगा। ये शेख आसिफ का जवाब है सहरानी चौक में पुलिस से। अरे किसी ने भी किया, मेरे शहर के लोगों ने किया, सब मेरे भाई है। लेकिन ताज्जुब इस बात का हुआ कि एक भी मुजम्मती बयान नहीं आया। अगर हिंदुस्तान के बाहर हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाती तो हम यह एहतजाज करते मालेगांव के अंदर, लेकिन मालेगांव के अंदर हुआ, एक भी मुजम्मती बयान नहीं आया। क्यों नहीं आया? आज तक मैं परेशान हूं। यह बहुत ताज्जुब की बात है। यह शहर को कहां ले जाना चाह रहे हैं? आज हम लोगों को सोचना है। कल मालेगांव शहर पावरलूम का शहर है, और महाराष्ट्र के पावरलूम के सेंटर्स कल धरना आंदोलन करने वाले बिजली के खिलाफ रात में कुछ लोगों की मीटिंग हुई। देखो आए रात में तंजीमों की मीटिंग हुई। मैं को तंजीमों को कुछ बोलना नहीं, अच्छा फैसला मैं भी उनके साथ। जो भी फैसला हुआ, क्या दो तीन घंटे का धरना दे देंगे। लेकिन हुआ यह, शहर का साबिक एमएलए सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर आज जाकर ये बोलते, साहब कैसा बोलते पता है ना, साहब कल की मीटिंग के अंदर उनकर तंजीमें शहर बंद करना चाह रही थी, लेकिन मैंने उनको कहा कि शहर मत बंद करो, जबकि वहां पर ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। क्यों मालूम? सिर्फ पुलिस के पास में काला टाइट करने के, देखो यार कितना अच्छा काम करे, शहर बंद हो रहा था, पुलिस भी सोचिंग बहुत अच्छा, वाह वाह बैठो चाय लो। अरे समझ में ये नहीं आता कि पुलिस बिगर जिंदा रहे ना रह सकते या नहीं रह सकते? दिन पास होता कि नहीं? ऊपर बात हो गई, ऊपर कंप्लेंट दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, क्या तरीका है? अरे जब सियासत के दंगल में आ गए तो टमाटे भी आते, अंडे भी आते, पत्थर भी आते, सब आता, कचरा कूड़ा सब आता, सब भुगतने की तैयारी रखना पड़ता। क्या हमारे मुझको नहीं कोई बोलता कि जाके बस हम देते ही क्या, उल्टा लटकाने का बोलते? दंगल में आए,
अब तुम्हारे सफेद कपड़े तुम रोज पहनते तो हमारी गलती नहीं है, रंगीन पहनना शुरू करो, कम समझ में आएंगे डाक। तो ये सीखना पड़ेगा अगर सियासत में रहना है। देखो मैं तीन कलर का पहना, हरा, काला, व्हाइट। तो कलर में आना पड़ेगा, जब जंगल में उतरे हो तो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो आलिम हूं, तो मेरे ऐसा बोल रहे जा रहे। शहर की आवाम आलिम को कहां बोल रही, बहुत इज्जत करती और करना चाहिए। मैं शहर की आवाम से, मेरे वर्करों से अपील करता हूं कि बहुत इज्जत करो, इतनी इज्जत करो कि तुम्हारे माँ बाप से बढ़ के इज्जत करो, मैं तो ये बोलता हूं। लेकिन शहर के लोग और कांग्रेस के वर्कर इसलिए आप पर सियासी हमला करते कि तुम सियासी हो, तुमने राष्ट्रवादी से मेरे सामने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन हारे हो तुम, इसके लिए बोलते हो। तो ये बर्दाश्त भी करना पड़ेगा दोस्तों। साबिर गवर साहब ने 6 दिसंबर आ रहा है बाबरी मस्जिद, मैंने कहा मुझे सिर्फ बता दो शहर का आजादी के बाद से आज तक तारीख बता दो, तारीख। मेरी क्यादत में एक वक्त गया, जमील करामती साहब, शफीक राणा साहब, इजाज उमर साहब, हलीम भाई, अब्दुल लतीफ, मैं, खालिद हाजी साहब की क्यादत में गया, असलम अंसारी, शकील बेग, अनीस अजहर, हलीम भाई, एक वक्त। मुझे बताओ कि शहर के कौन से सियासी घराने का लीडर का बच्चा अयोध्या गया, मुझे बता दो, कोई होगा तो बता दो मजबूरी से। सिर्फ अगर हम यहां बाबरी मस्जिद की हिमायत में बोल रहे तो पार्टी बेस के ऊपर नहीं बोल रहे, एक मुसलमान है इसके लिए बोल रहे। जाकर आए, हमारी आंखों से देखा हमने, बाकायदा उन लोगों से बात की जो लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हैं, उनके हालत को जाना, उनसे बातें की, कैसे जिंदगी गुजार रहे हो, कैसी खौफ की जिंदगी आप गुजार रहे हो। उनके साथ बैठ के उनके बर्तन में हमने खाना खाया, एक एक घर पर गए, एक एक मस्जिद में गए, एक एक मदरसे में गए। और इतना ही नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद के केस के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बाकायदा शहर के लोगों ने जो पैसा दिया और हमारे पास से मिलाकर 5 लाख रुपया केस लड़ने के लिए दिए और हमारी मुखालफत करते हो। सिर्फ तुमने ठेका लेके रखा है मुसलमानों का, मिल्लत का, शरीयत का। अरे हम भी एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले हैं, सिर्फ तुम ठेका लोगे। कम से कम उत्तर प्रदेश आप साल में 3 टाइम जाते हैं, कभी गया जो दिया, कभी रुपया पैसा ले जाकर दिए कि लाओ केस, कभी उनसे बात की, लेकिन सियासत जरूर करते हो बैठकर। ये बात बोलने वाली नहीं है, अखबार के अंदर मैंने पढ़ा एक हफ्ता पहले, तुम तंज करते हो दूसरी तंजीम को बैठकर। मुझे आज इस पे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं आज, जो हालात वहां पर थे, कल जो हालात वहां पर थे, वीएचपी ने अलग सम्मेलन बुलाया, उद्धव ठाकरे वहां पर अलग पहुंचा, कि राम मंदिर वही बनेगा, ये मुतालबे को लेकर उद्धव ठाकरे, शिवसेना और वीएचपी वहां पर गए और बाकायदा एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आज
آج میں تو یقین کے ساتھ بولتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دل کے اندر آج اتنا خوف تھا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. 10 لوگوں نے کم سے کم کل سے آج تک مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوگا. میں نے کہا کہ ایک پرندہ بھی وہاں آج نہیں مرے گا. کیوں کہا؟ نریندر مودی کبھی یہ بات نہیں چاہے گا کہ وہاں پر ایک پرندہ مرے اور ادھو ٹھاکرے ہندوستان کا لیڈر بن جائے ہندوؤں کا. یہ کبھی نہیں چاہے گا. یہ اس کی مجبوری ہے کہ وہاں پرندہ نہیں مرنے دے گا. اور ایسے ہی آج ہوا. لیکن آج مدھیہ پردیش کے چناؤ کے اندر دیش کے پنت پردھان نریندر مودی جی نے جو بھاشن کیا, کہیں نہ کہیں ان کے بھاشن اور ان کے نیت کے اندر کھوٹ تھی. آج انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کا کیس, رام مندر کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے تو کانگریس پارٹی رولے اٹکا رہی ہے, ججوں کے اوپر پریشر بنا رہی ہے اور اس کو تاریخ کو آگے لے جانے کی بات کر رہی ہے. یہ آج نریندر مودی نے کہا. ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر بل لاؤ اور بل لا کر قانون بنا کر رام مندر بناؤ. یہ آج دباؤ بنانے کا کام کی شروعات ہوئی. آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ ہے, بالکل ہے. اور باقاعدہ میں خود مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایڈوکیٹ جو وکیل کیس لڑ رہے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے 1 اور 2 تاریخ کو دلی جا رہا ہوں تاکہ ان سے پوچھا جائے, ان سے مشورہ کیا جائے کہ کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے, ہم کوئی مدد کر سکتے یا نہیں, ہم کوئی کیا کر سکتے آپ بتائیے, اس سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں. کم سے کم فون پر بھی میں بات کر سکتا ہوں. لیکن وہاں جانے کے بعد ان کو ہمت ملیں گی کہ نہیں, مہاراشٹر سے کوئی تو آئے کہ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے بتاؤ, اس کے لیے میں جا رہا ہوں. ایک وقت جا رہا ہے 1 اور 2 تاریخ کو. لیکن 6 دسمبر کو آپ کیا ضرورت ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ہم لوگ صرف سہم کر اگر سرکار کے منتری وی ایچ پی شیو سینا اگر اس دیش کی گھٹنا اس دیش کے قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا تو سب لوگوں نے خاموش بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ دیش کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہوگا. اور یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہمارے علماؤں نے کہہ دیا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا ہمیں منظور ہے. آج میں بھی ان کی تائید کرتا ہوں, جو بھی فیصلہ آئے گا ہمیں منظور ہوگا. لیکن آج ہم لوگوں کو دباؤ بنانا پڑے گا. اگر ہم نے دباؤ نہیں بنایا, آواز بلند رہی تھی تو میسج جائے گا کہ مسلمان ڈر گئے سہم گئے. تو یہ میسج بھی نہیں جانا چاہیے. پھر ہم نے طریقے سے ہم کوئی بھی احتجاج کریں گے. میرا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو راستے پہ آنا چاہیے, ہم لوگوں کو جذبات میں آنا چاہیے, یہ میرا بولنے کا مطلب بالکل نہیں ہے. پر امن رہ کر ہم کیا کر سکتے؟ ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ آج تک ہمارے شہر میں یہ ہوا کہ مسجدوں سے اذان ہوتی ہے, ہونا چاہیے. شہیدوں کی یادگار کے پاس جا کر اذان دیتے ہیں, وہ ان کا معاملہ, ان کو کہا دینا. آج تک ہم نے وہاں جا کر تو نہیں, لیکن بابری مسجد شہید ہونے 6 دسمبر کو 26 سال ہو جائے گی. اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ شہر میں 6 دسمبر کو 26 جگہوں کے اوپر ہمارے ورکر شہر کے مسلمان 26
कई जगहों के ऊपर अजान देंगे, लेकिन हम 25 जगह का, जहां पर 25 जगह अजान दी जाएगी उसकी फहरिस्त चंद दिनों के अंदर डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन जहां पर मैं अजान दूंगा और मेरे साथ में जो लोग अजान देंगे वो बताया नहीं जाएगा, वो उसी दिन बताया जाएगा, 6 तारीख को जब ही बताया जाएगा। सिर्फ 26 जगह वो हम तय करेंगे, जिसको इसके अंदर शामिल होना है हम लोग कल बाकायदा आप कहां नाम निकाल सकते हैं, कौन से एरिया के शहर भर में, ताकि हम लोग 26 जगह के ऊपर ये अजान देकर ये मरकजी हुकूमत को बताए कि आज भी मुसलमानों के दिल के अंदर बाबरी मस्जिद है और इंशाल्लाह आखिरत तक रहेगी, आखिर तक रहेगी जब तक बाबरी मस्जिद वहां नहीं बन जाती। ये मैसेज हमको देना है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। और उसके बाद 1-2 तारीख को जब जाकर हम लोग आ जाए, उसके बाद जो बात होगी शहर की आवाम के सामने हम लोग रखेंगे, और उसके बाद एक लायमाल हम लोग जरूर तैयार करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को कानूनी लड़ाई लड़ना है। लेकिन यह रास्ता भी दबाव बनाने के लिए हुकूमत के ऊपर ये जरूरी है, और इसीलिए आज मैंने इस बात का ऐलान किया। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग शहर की आवाम पुरअमन तरीके से हम लोगों को संजीदगी के साथ आने वाले वक्त हमारे लिए बहुत कठिन है, ये बिल्कुल हम लोग को मानना चाहिए। अपना नाम पहले ले लो, कहीं भी लिख लो, जहां जहां पर भी मुल्क में हालात तब्दील हो रहे, सिर्फ वो इलेक्शन को सामने रखकर पार्लियामेंट का इलेक्शन कैसे जीता जाए, कैसे जीता जाए, कैसे मुसलमानों को अलग और हिंदुओं को अलग कर दिया जाए, ये सब बात हम लोगों को समझना है। लेकिन इस देश का सब हिंदू फिरका परस्त नहीं है, 75% से ज्यादा आज भी हिंदू भाई इस मुल्क के अंदर सेकुलर है, और वो सेकुलरिज्म को, इस देश के कानून को आज भी मानते हैं। अगर आप 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव कि अगर वोट देखेंगे अपोजिशन पार्टियों की तो कहीं ज्यादा है, और मोदी इतनी सीट लेकर आने के बाद भी कहीं नीचे है, तो इसका मतलब कि सेकुलर पार्टियों को मानने वाले, इस देश के अंदर सेकुलरिज्म को मानने वाले आज बहुत बड़ी तादाद है। ये बात हम लोगों को समझना है। होता यह है कि कुछ लोग माहौल खराब करते हैं और वो लड़ा देते हैं और पोलराइज हो जाता है और हम लोग बढ़ जाते हैं। बहरहाल 6 दिसंबर की तैयारी शुरू होगी, उसमें आप लोग नाम लिखाए। आखिर में आप सभी लोगों का 6 दिसंबर के बाद इस तरीके से इलाके वाइज प्रोग्राम हो गए, उसके अंदर अपनी बात को जरूर रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम। हाँ, ये मुख्तसर सी